नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज हम पॉलिटी से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो पिछले वर्षों में पूछा गया है, और वीडियो के अंत में आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव इनमें से किसका माना जाता है? दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप वीडियो को रोक करके आप अपना उत्तर कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का लगभग 2/3 तत्वों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूके। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यूके का संविधान अलिखित है, लेकिन यहाँ पर संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। और दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान जो है पूरे विश्व में, यानी कि भारतीय संविधान जो है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो देखिए, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1949 में, जिनमें की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, और इनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के थे और 93 सदस्य देशीय रियासतों से थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 296। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है आपको, भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1921। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। कब? 1921 में। और कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919, और गठन किया गया था 1921 में, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और प्रथम केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक व्हाइट। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? सबसे आसान प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिनमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत की संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो
तो ये थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता ही होगा, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समाजवाद। अगला प्रश्न, लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। तो देखिए, लोकप्रिय प्रभु सत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, और ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकप्रिय प्रभु सत्ता का मतलब होता है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। अगला प्रश्न, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। क्योंकि आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को शेष बचे हुए अनुच्छेदों को लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को भारत पूरी तरह से गणतंत्र हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक बार। तो देखिए, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया था। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इस संविधान संशोधन में क्या किया गया था? 3 नए शब्द जोड़े गए थे। यह बात आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि 3 नए शब्द जो कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है, ये किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? तो ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संघीय। तो देखिए, आपको बता दें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से क्या उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का उल्लेख किया गया है। आगे अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संविधान में कहीं नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का
कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन इनके स्थान पर क्या किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, और भारत के संविधान में संघ का जिक्र कहीं नहीं है, यानी कि फेडरेशन की बातें कहीं पे नहीं गई है, उनके स्थान पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। उम्मीद है कि आप इसका सही सही जवाब कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।